आप आशीष प्रताप सिंह हैं और मैं भारतीय युवा कांग्रेस में नेशनल ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हूं और हम ट्रेनिंग के संबंधित कार्य देखते हैं। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की यूथ कांग्रेस में और पहले की यूथ कांग्रेस में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, ये जो इट्स अ इलेक्टोरल फिनोमिना, मैंने इससे पहले भी काम किया है और इलेक्शन के बाद भी मैंने काम किया है IYC में, क्योंकि पहले मैं जब ये ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम नहीं था तो मैं अपने ज़िले का, मैं ग्वालियर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मध्य प्रदेश में मैं अपने ज़िले का अध्यक्ष रहा हूँ 4-5 साल। उसके अलावा मैं प्रदेश की कमेटी में भी लगातार 8 या 9 साल एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने काम किया है। तो एक लंबे अंतराल में काम करते समय मैंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज के सिस्टम में और पुराने सिस्टम में है। पहले के सिस्टम में हम देखते थे कि एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कोई भी व्यक्ति जो इस सिस्टम में आना चाहता है उसका बैकग्राउंड हमें पता नहीं होता था, उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं ये हमें पता नहीं होते थे, लेकिन वो पद पा लेते थे। आज का जो हमारा सिस्टम है, इसमें जब इलेक्शन लड़के कोई व्यक्ति आता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में माननीय राहुल गांधी जी ने एक ऐसा परंपरा स्थापित की है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रोफेशन से इंजीनियर हो, वकील हो, वो हमारे सिस्टम में चुनाव लड़के आ सकता है। तो इसमें एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें हमारा कैडर तैयार हुआ। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद ट्रेनिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पिलर मैं समझता हूँ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। हमारा जो भी पदाधिकारी इलेक्टेड ऑफिस बेरर जब आता है तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने सिस्टम में काम किए होते हैं, यूथ कांग्रेस का उनको पूर्व में अनुभव होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत नए होते हैं, तो उनको पार्टी के बारे में, पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, व्हाट द कांग्रेस इज़ ऑल अबाउट, हमारी पार्टी की अवधारणा क्या है, विचार क्या है, हम किस प्रकार से हमारी पार्टी चली है, हमारे देश के महान नेताओं ने क्या कार्य किए हैं, मीडिया से हमको कितना रूबरू होना है, हमें अपनी कमेटी चलाने के लिए क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हमारा स्टेट लेवल से लेके AYC लेवल तक कैंप्स होते हैं तो हम एक कैडर तैयार करते हैं और एक ऐसा पदाधिकारी हमारा जिसको सारी जानकारी होती है कि हमें अपनी पार्टी में किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। उसमें कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी हम बात करते हैं कि क्या आप नहीं कर सकते हैं। तो आप जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जी आप ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, क्या पहले पहले की यूथ कांग्रेस थी उस समय उसमें इस तरह का कोई ट्रेनिंग का कोई भूमिका थी उस समय या कोई खास? देखिए, मेरा 15 साल का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। माननीय सत्यजीत गायकवाड़ जी जब प्रेसिडेंट थे तो मैं अपने प्रदेश में महामंत्री हुआ करता था और उस समय से लेकर मैंने देखा कि एजुटेशनल प्रोग्राम्स जो थे वो बहुत बड़ी तादाद में होते थे और एजुटेशनल प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखी जाती थी और मैं समझता हूँ कि उस समय के माहौल में और आज के माहौल में बड़ा ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो वो सुव्यवस्थित रूप से होते हैं। आज के कार्यक्रम जो हमारे होते हैं वो PYC से अगर निर्धारित होते हैं तो वो AYC तक होते हैं या LYC तक होते हैं, और पहले के जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो उसमें और आज के कार्यक्रमों में बड़ा अंतर है। तो ये जो ट्रांजिशन का जो पूरा फेज रहा जिसमें आप आपके आंखों के सामने ही जी एक पुराने सिस्टम से पार्टी नए सिस्टम या यूथ कांग्रेस एक पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ माइग्रेट कर रही है, ये प्रोसेस अपने आप में कितने साल तक आपको लगता है, कितने सालों में ये पूरा प्रोसेस जाके कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, अभी मुझे लगता है कि हमारा एक पूरा जो चेन है वो पूरी होने वाली है। पंजाब एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने ट्रेनिंग की थी और आज पंजाब की दोबारा ट्रेनिंग हो चुकी है, गुजरात कैंप हमारा ट्रेनिंग का आने वाला है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में ट्रेनिंग हो चुकी है। कुछ राज्य हमारे 2-4-5 जो बचे हैं उनमें अभी आने वाले 2 महीनों में कंप्लीट करेंगे हम। और ट्रेनिंग होने के शुरुआत में जब हमारा इलेक्टेड ऑफिस बेरर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये यहाँ 4-5 दिन क्या हो रहा है, लेकिन जब वो 4 दिन बाद उस स्टेट कैंप को अटेंड करने के बाद जाता है तो वो सारी जानकारियाँ जो उसे जीवन में कभी नहीं मिल पाती हैं वो जानकारियाँ मिलती हैं, जिसमें हमारा एक इंस्टीट्यूट है JNLI, उसमें कई ऐसे विद्वान लोग हैं जो बिहेवियरल सेशंस लेते हैं और उन सेशंस को लेने के बाद वो जो टीम बिल्डिंग और जो बॉन्डिंग टीम में होना चाहिए वो महसूस की जाती है। अच्छा, मैं आपसे 2-3 जगह कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछूंगा। जी कॉन्ट्रोवर्शियल की देखिए कि ये अपना इंटरनल मामला है, अगर
जब आप ठीक रहेगा तो यूज करेंगे, जब आप ठीक नहीं रहेगा तो काट लेंगे, आप खुद फैसला कर लीजिएगा बाद में। दो तीन बातें जो सबसे बड़ी आती हैं कि अभी मीडिया में कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि मेंबरशिप में ड्रॉप हो रहा है, क्या ये सिर्फ एक क्रिएशन ऑफ मीडिया है, सचमुच में ऐसी भी बात है, इसके कारण क्या है? देखिए मेंबरशिप के बारे में अब मैं आपको बताऊं कि मेंबरशिप के बारे में ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट्स में मेंबरशिप बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर एक पॉलिटिकली चार्ज्ड प्लेस होती है, और कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जैसे बिहार है। अब बिहार में हमारी पार्टी किस संघर्ष से गुजर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, झारखंड में हम कितने साल से संघर्ष करते हैं ये डिपेंड करता है। तो जो हमारी रूलिंग स्टेट्स होती हैं जिनमें हमारी गवर्नमेंट होती है वहाँ की मेंबरशिप में, और जो हमारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ 20 साल से हमारी सरकार नहीं है वहाँ पर कुछ अंतर पाया जाता है। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें जी, तो मध्य प्रदेश में भी दो टर्म से सरकार, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के एज फार एज मेंबरशिप इज कंसर्न मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी मेंबरशिप हुई थी। और मैं जिस जिले से आता हूँ ग्वालियर, वहाँ पर 75,000 मेंबरशिप एक ज़िले में हुई थी। तो बहुत अच्छा माहौल है, लोग जुड़ना चाहते हैं राहुल जी के सिस्टम में, और ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जिसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कोई भी नई चीज़ जब बनती है तो उसमें कुछ खामियां रहती हैं। हेनरी फोर्ड ने भी जब, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं कि उन्होंने गाड़ी बनाई थी तो वो शायद कोई गियर भूल गए थे या कोई एक चीज़ भूल गए थे। तो ये हमारा जो सिस्टम है इसमें अभी और इसमें एक्सरसाइज होगी और ये और ज़्यादा परिपक्व बनेगा। तो मगर कांग्रेस ने जो ये यूथ कांग्रेस ने जो ट्रांजिशन का जो फेज किया, आपको लगता है कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है उसमें ये कारगर है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सोशल एनवायरनमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं कि आपने पहले के एजिटेशंस भी देखे होंगे और सुने होंगे, आज के समय में डिसिप्लिन ऑफ लेवल जो है वो बहुत हाई है। पहले IYC के प्रेसिडेंट अगर किसी जिले में जाते थे तो वहाँ बहुत हंगामा भी होता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और किस डिसिप्लिन के साथ चल रही है कि सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई है तो शाम के 9 बजे तक हमारे पदाधिकारी वहाँ पर हैं। हम कैंप्स में भी ये चीज़ महसूस करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो शुरुआती दौर में ऐसा महसूस होता है, हम बिहार जब गए, जब हम छत्तीसगढ़ गए, जब झारखंड गए तो हमें लगा कि यहाँ की कुछ अलग परंपरा है, यहाँ शायद हम कैंप नहीं आयोजित करा पाएंगे। लेकिन पहले दिन में ही वो जब वहाँ बैठे तो उन्होंने कुछ सेशंस देखे तो उसके बाद वहाँ डिसिप्लिन सबसे पहले सीखता है हमारा कार्यकर्ता, जो एक पार्टी के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे किस्से जो आप हमसे बांटना चाहेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग लोग जिनसे आप मिले ट्रेनिंग के दौरान? देखिए वर्कर्स के अंदर कई बार एग्रेशन भी होता है, तो कई बार ऐसी स्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं कि हमें हमारा ये भी एक चैप्टर होता है, ये भी एक हमारा सेशन होता है एक्टिव लिसनिंग का, तो हमें कुछ बातें सुनना भी पड़ती हैं। कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जहाँ पर उनके अंदर कुछ गुबार होता है या उनके मन में कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, तो हम लोग उसे सुनते हैं और उसको सुनने के बाद उसका जवाब भी देते हैं, उनको समझाते भी हैं, क्योंकि कई तरह के इल्यूजन भी माइंड में रहते हैं लोगों के। बट ओवरऑल आपने ये दिखाया कि इसे जो सेकंड टर्म वाले जो स्टेट्स हैं जहाँ पर आप दोबारा जाते हैं पंजाब जैसे राज्य में जी, या गुजरात जैसे राज्य में आप जाएंगे, तो दोबारा वाले जो सेकंड राउंड वाले स्टेट्स होते हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड राउंड में क्या फ़र्क आता है? फर्स्ट राउंड में कोई भी चीज़ जब शुरुआती दौर में होती है तो उसमें एक एंथुजियाज्म होता है, लोगों के अंदर एक जील होती है कि काम करने की तमन्ना होती है। नो डाउट पहली बार में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म था, लेकिन सेकंड टर्म में भी हमारे जो कैंप्स हैं वो बहुत सुनियोजित तरीके से कैंप्स हुए। अटेंडेंस की बात जहाँ तक है, अटेंडेंस में कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट आने का था पंजाब में और गवर्नमेंट नहीं आई, तो कई बार कुछ साथी इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्टोरल फिनोमिना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कैडर बेस्ड जो पार्टी का कैडर है वही इलेक्शन लड़ेगा। हम लोगों ने तो सब दरवाजे खोल रखे हैं, कोई भी पार्टी में आ सकता है और लड़ सकता है। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो पार्टी भी छोड़ के चले जाते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी पार्टी में संगठन में जो काम करना चाहता है वो बचता है। तो हमारे जो कैंप्स होते हैं उसमें जो भी अटेंडेंस होती है वो हमारे कमिटेड लोग होते हैं। तो मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि इन कैंप्स और इस पूरे मैनेजमेंट स्टाइल को या पॉलिटिकल प्रोसेस को अगर आप देखें तो इससे पार्टी मजबूत हुई है? बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसके रिजल्ट्स हमें देर से मिलेंगे लेकिन बहुत अच्छे मिलेंगे। आज हमारे देश में
स्पीकर्स के तौर पे आप देखें या कोचेस के तौर पे देखें, तो हमने एक बहुत बड़ी फौज मास्टर कोचेस की तैयार की है। यूपी में भी बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के हम लोग भी इंचार्ज थे वहाँ, हमारी ड्यूटी भी लखनऊ जोन में थी। तो हमने महसूस किया कि हमारे पास कुछ कार्यकर्ता और कुछ लोग तैयार हो रहे हैं जो पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उन्हें कोई पद से कोई प्रलोभन नहीं है, वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। तो मतलब ये है कि इस पूरे चीज़ का फायदा लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मिलेगा। लॉन्ग टर्म में मिलेगा और भी मिल रहा है, हमारे बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं, हमारे यहाँ डिसिप्लिन आ रहा है, हमारे यहाँ एक सिस्टम बन रहा है हर चीज़ का। और पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक डेटाबेस तैयार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है और डिसिप्लिन है। तो आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य एकदम सुनहरा है। बिल्कुल सुनहरा है सब।